हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किसी भी डाटा में वी लुकअप कैसे लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वी लुकअप सीखना है तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आप वी लुकअप इस वीडियो के माध्यम से आप सीख जाओगे लास्ट तक। तो सबसे पहले क्या करना है आपको दोस्तों, कि हम एक डाटा है मेरे पास जिसमें कि ऑर्डर आईडी है, बायर नेम है, एसक्यू है, प्रोडक्ट नेम है, क्वांटिटी है एंड सर्विस है। मेरे सामने एक डाटा है जिसमें कि इतना चीज़ है। तो आप हमको क्या करना है दोस्तों, कोई भी चीज़ दो चीज़ लेना है। जैसे कि हमको ऑर्डर आईडी से बायर का नाम लाना है, ऑर्डर आईडी से बायर का नाम हमको लाना है, तो हमको दो ही चीज़ चाहिए, ऑर्डर आईडी एंड बायर नेम। तो ऑर्डर आईडी बायर नेम हम क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर में ऑर्डर आईडी एंड बायर नेम को कॉपी करेंगे और नीचे हम पेस्ट कर देंगे। जैसे ही कॉपी एंड पेस्ट करेंगे, इसके बाद हमको क्या करना है, वी लुकअप लगाना है। वी लुकअप लगाना है तो वी लुकअप के लिए सबसे पहले इक्वल टू करने के बाद हमको वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना है। तो वी और एल लिखेंगे, जैसे ही मेरे सामने ऑप्शन आ जाएगा वी लुकअप का, तो वी लुकअप कर देंगे। इसके बाद सबसे पहले ऑप्शन आता है मेरे सामने टेबल लुकअप वैल्यू का। लुकअप वैल्यू क्या होता है, जिस भी चीज़ से हम सर्च कर रहे हैं वो चीज़ आ जाना चाहिए। यानी कि हम ऑर्डर आई डी से सर्च कर रहे हैं, ऑर्डर आई डी कितने नंबर कॉलम में, तो एक नंबर कॉलम में, तो एक नंबर कॉलम को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो एक नंबर कॉलम को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए, जो भी कॉलम होगा वहाँ पे आपको वो शो कर देगा। इसके बाद हमको क्या चाहिए, टेबल एरिया। टेबल एरिया में क्या होना चाहिए कि पूरा डाटा आना चाहिए। टेबल एरिया में क्या आना चाहिए, पूरा डाटा, यानी कि जितना भी डाटा है मेरे सामने वो पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमको क्या चाहिए दोस्तों, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या होता है दोस्तों, जैसे आप ऑर्डर आई डी एक नंबर कॉलम में है, बायर नेम दो नंबर कॉलम में है, एस क्यू तीन नंबर कॉलम में है, एंड प्रोडक्ट नेम चार नंबर कॉलम में है, एंड क्वान्टिटी 5 नंबर कॉलम पे हैं, एंड सर्विस 6 नंबर कॉलम पे है। इसमें से जो भी चीज़ चाहिए आपको वो चीज़ सेलेक्ट कर लेना है। वो चीज़ जैसे कि हमको बायर नेम 2 नंबर पे है, तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे, कोमा कर देंगे। इसके बाद दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स का ऑप्शन आता है। ट्रू एंड फॉल्स में हम क्या करेंगे दोस्तों, 0 लगा देंगे तो वो फॉल्स ऑटोमेटिक ले लेगा। दोस्तों हमेशा हम 0 लगाते हैं तो वो फॉल्स ले लेगा आपको। तो अभी 0 लगा के हम क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज करते हैं। इसके बाद क्या है, मेरे सामने वी लुकअप का फॉर्मूला लग गया। अब यहाँ पे हम जो भी ऑर्डर आईडी सर्च करेंगे दोस्तों, तो मेरे सामने बायर का नाम दे देगा, बायर का नाम दे देगा यहाँ पे। जैसे कि मैं एक एक करके ऑर्डर आईडी ले रहा हूँ और यहाँ कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, तो जो भी ऑर्डर आईडी का जो भी बायर नेम होगा वो हमको शो कर देगा। तो इस प्रकार से आप वी लुकअप लगा सकते हो। अगर आपको दोस्तों वी लुकअप में कुछ चेंजेस करना है, जैसे कि हमको बायर नेम नहीं चाहिए, हमको चाहिए एसक्यू चाहिए, या प्रोडक्ट नेम चाहिए, या क्वांटिटी चाहिए, या सर्विस चाहिए, तो इस हम कैसे हम इसको चेंज करें। जैसे कि हमको अभी बायर नेम नहीं चाहिए, बायर नेम नहीं चाहिए, तो हमको क्या करना है उसके लिए, सबसे पहले क्या करना है, तो जहाँ पे हम वी लुकअप का फार्मूला लगाएं वहाँ पे F2 प्रेस करना है। F2 प्रेस करोगे और जहाँ पे हम दो ऑप्शन दो डाले हैं, तो यानी कि बायर नेम दो नंबर कॉलम में है, दो डाले हैं, वहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, आपको क्या चाहिए। जैसे हमको SQ चाहिए, तो SQ कितने नंबर कॉलम पे है, 3 नंबर कॉलम पे है, तो 3 हम यहाँ पे सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे और यहाँ पे जो भी ऑर्डर आईडी सर्च करेंगे तो वो SQ आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से आप किसी भी तरह कर सकते हो, जैसे कि प्रोडक्ट नेम है वो भी कर सकते हो, क्वांटिटी है वो भी कर सकते हो, एंड सर्विस है वो भी कर सकते हो, कोई भी चीज़ आप यहाँ पे ले सकते हो। तो आप किसी भी तरह, यानी कि आप जो भी चाहिए वो आप ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।